पूरा देश नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने का जश्न मना ही रहा था कि तभी गुजरात में भयंकर हादसा हो गया। गुजरात के सूरत की 4 मंजिला कोचिंग सेंटर में आग लग गई। इमारत में आग लगने का मंजर दिल दहला देने वाला था। बता दें कि सरथना इलाके की तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार शाम के 4 बजे जब आग लगी, उस समय वहां लगभग 60 छात्र तीसरी और चौथी मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। आग लगने की वजह से 20 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई घायल हैं। इस घटना से बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। अमिताभ से लेकर कई बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर इस हादसे पर शोक जताया। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, सूरत में भयानक त्रासदी, एक विनाशकारी आग और उसमें जकड़े गए 14-17 साल के बच्चे। बच्चे भयंकर आग से बचने के लिए नीचे कूद पड़े और उनकी जान चली गई। इतना दुखी हूँ कि बता नहीं सकता, दुआएं। एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर ने भी दुख जताया। उर्मिला ने ट्वीट करते हुए लिखा, सूरत में आग की दुर्घटना के बारे में सुनकर दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और जो जख्मी हैं उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं। एक्ट्रेस भूमि पेड़कर ने भी इस हादसे पर शोक जताया। भूमि ने ट्वीट करते हुए लिखा, पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये कितना दिल दहला देने वाला है। हमें वास्तव में अपनी सुरक्षा और सुरक्षा नियमों और शर्तों के बारे में सजग रहने की आवश्यकता है। सख्त कानून पालन किए जाए। सिंगर और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, सूरत अग्निकांड के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ये हादसा बहुत डिस्टर्बिंग है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, जख्मी बच्चे जल्द से जल्द ठीक हों। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी ट्विटर पर अफसोस जाहिर करते हुए लिखा, सूरत आग त्रासदी के बारे में सुनकर सदमे में हूँ। हृदय विदारक है, प्रार्थनाएं। इस हादसे में ताजा जानकारी के मुताबिक सूरत पुलिस ने बिल्डर और कोचिंग के मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।